आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तमाम आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार की सुबह बॉम्बे हाई कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से देशमुख के इस्तीफे की मांग नैतिकता के आधार पर की जा रही थी। अनिल देशमुख ने आज शरद पवार से मुलाकात कर अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वजे के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाने का आरोप लगाया था। इस बाबत उन्होंने अदालत में याचिका भी दायर की थी। अदालत ने जांच एजेंसी से इस मामले में 15 दिनों के भीतर प्राथमिक रिपोर्ट को भी तलब किया है। अदालत ने कहा कि देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, ऐसे में इन आरोपों की जांच होना बेहद जरूरी है। वहीं मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक अतुल भातखलकर ने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट मामले का सच अब जनता के सामने आएगा, जबकि बीजेपी विधायक राम कदम ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार के झूठ का पर्दाफाश जरूर होगा, वरना सरकार ने तो इसे 6 महीने तक ठंडे बस्ते में डालने का प्रोग्राम बना लिया था। कदम ने आरोप लगाया था कि इसके पहले भी राज्य सरकार कई मामलों में ऐसे ही मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जो आरोप अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए हैं, यदि उनमें सच्चाई होगी तो वो जरूर सबके सामने आएगी। निरुपम ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। निरुपम ने कहा कि सिंह ने जो आरोप लगाए थे उनके समर्थन में सपोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक महाराष्ट्र सरकार का बनता है। उन्होंने कहा कि कानून जब भी इतने उच्च दर्जे का अधिकारी अपनी ही सरकार के किसी मंत्री पर सबूतों के बगैर गंभीर आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं किया है, आखिर महाराष्ट्र सरकार को किस बात का डर है। वहीं इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संतोष जताते हुए कहा था कि अब तो नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ही उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हालांकि अब इस बात की नौबत नहीं आएगी क्योंकि खुद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फडणवीस ने कहा था कि पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सचिन वजे का समर्थन किया था, लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने वजे के खिलाफ में एक शब्द तक नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और जिस परिवार से वे आते हैं उसके सम्मान के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे अब भी इस मामले पर खामोशी दिखाएंगे तो लोग उन्हें शक की नजरों से देखेंगे। आपको बता दें कि सचिन वजे मामले में पद से हटाए जाने के बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया था। तब परमवीर सिंह ने कहा था कि देशमुख ने सचिन वजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। वजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने बंगले पर भी बुलाया था। इन तमाम आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी देखने को मिली थी।